अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम कर्नल मुनीर अहमद एंड दिस इज स्मॉल टीम ऑफ वॉलंटियर्स विच हेल्प्स मी इन डूइंग व्हाट आई डू. सो थैंक्स टू ऑल ऑफ देम फॉर देयर वंडरफुल असिस्टेंस. इस वीडियो में एनिमेशंस की मदद से आप देखेंगे कि एंटी मिसाइल सिस्टम कैसे वर्क करता है और स्टेल्थ का वर्ड जब यूज किया जाता है इन टर्म्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स तो उसका क्या मतलब है. और हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि देर इज एन अमर्जिंग स्टोरी विच सेज कि पाकिस्तान ने TPS-77 मल्टी रोल रेडार USA से एक्वायर किया है और YLC-18A चाइना से एक्वायर किया है और ये दोनों रेडार्स एंटी मिसाइल और एंटी स्टेल्थ की काबिलियत रखते हैं. और साथ ही फिर इन दोनों रेडार्स के बारे में और इनकी खसूसियात के बारे में वीडियो क्लिप्स देखेंगे आप. This is an important development, so I thought you must have a look at these things. So next two animations will tell you how an anti-missile system works. Enemy missile is launched. On radar sensors detect enemy missiles, track it and pass on the data to own defense system. Own weapon system is launched. Own weapon system destroys the enemy missiles. Here is another depiction of the same. Stealth technology. इसमें आप देखते हैं कि जो रेडार्स हैं वो एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट को तो डिटेक्ट कर लेते हैं इन केस ऑफ एयरक्राफ्ट जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो रेडार उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते. तो यहां जो बात हाईलाइट करने वाली है वो ये है कि पाकिस्तान ने जो रेडार एक्वायर किए हैं ये दोनों में एंटी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जिसका मतलब ये है कि ये उन एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जो कि नॉर्मल रेडार्स पे डिटेक्ट नहीं होते. Now you can see the videos of the two radars which Pakistan has acquired.